बुधवार से शुरू हो रहे गणेश उत्सव पर्व को लेकर थाना चित्रकूट परिसर में एसडीओपी चित्रकूट आशीष जैन के मार्गदर्शन में कस्बे के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित कर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से एसडीओपी चित्रकूट द्वारा सभी से अनुरोध किया गया कि गणेश उत्सव पर्व को सभी लोग शांति और सौहार्द पूर्वक मनाएं। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा कुछ अन्य समस्याओं जैसे कि चित्रकूट में बहुतायत में चलने वाले ऑटो रिक्शा वाहनों में ओवरलोड सवारियां भरकर चलाने के साथ ही तमाम ऑटो चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने और मनमाना किराया वसूल किए जाने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर एसडीओपी चित्रकूट द्वारा बुधवार शाम को ऑटो चालक के साथ इस मुद्दे पर बैठक करके चेतावनी और न मानने पर कार्यवाही की बात कही। एसडीओपी चित्रकूट आशीष जैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पर्व के दौरान अराजकता फैलाने वालों की सूचना दी जाने से कि सबसे अपील की गई, जिससे कि पुलिस द्वारा समय पर घटना स्थल पर पहुंचकर ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। चित्रकूट से अजय कुमार की रिपोर्ट। अराजक तत्व जो है वो गणेश उत्सव की व्यवस्था में विघ्न न किसी तरह का डाल पाए, इसी उद्देश्यों को लेकर इस बैठक हमने बुलाई थी, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक शामिल हुए और सभी ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहेगी और किसी तरह की अगर अवस्था कहीं से उत्पन्न होती है तो उसके विषय में वह हमें तत्काल सूचना देंगे और हम घटना स्थल पर पहुंचकर उत्सव स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे।